अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज मी सैमी ऑफिशियल ब्लॉग। आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं आई हूँ लाहौर और इकरा के घर में आ रहे हैं गेस्ट। गेस्ट कौन आ रहे हैं ये हम आपको बताएंगे बाद में। और यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही हूँ और ये मेरी बाजी बैठी हैं। ये देखें इसके बैठने का स्टाइल चेक करें, चिकन धोने का। हाँ जी, ये मैडम जी चिकन साफ कर रही हैं। और यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही थी, सो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा साथ में ब्लॉग। और ये बेबी कौन है? ये जयान है। जा नीचे उतरो भाई, हो जाएगी नीचे उतरो। सो इकरा तुम ट्राई करना और बताना मैं कैसी बिरयानी बनाती हूँ। वैसे भी तुम मेरे हाथ का टेस्ट तो भूल ही गई होगी, है ना? अच्छा जी, यहाँ पे मैं स्पाइसेस निकाल रही हूँ और इतनी बड़ी बिरयानी का डब्बा। अच्छा जी, मैं सुगड़ औरतों की तरह वो वाला पैकेट खोल रही हूँ जिसमें से इकरा ने पहले मसाला निकाला है। फिर बाजी ये ना बोले कि मेरे घर आके और मेरी चीज़ों को ना उनको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो जाते हैं ज़्यादा देख। अच्छा इकरा बिरयानी बना रहे हैं और वाइट चिकन तुम बनाओगी, ठीक है? और रोटी मंगाओगी, नान मंगाओगी या रोटी घर में बनाएंगे? नान मंगाओगी। लेकिन इकरा यू नो के हमजा के लिए तो मैं एक रोटी बना लूंगी, आटा गूंदा हुआ है, गूंदा हुआ है ना, तो मैं एक रोटी बना लूंगी। बस जनाब मेरा ये देखें प्याज रेड हो गए, मैं इसको थोड़ा सा इसी प्लेट में निकालूंगी जहाँ पे बाद में मैंने लेयर्स के लिए सामान रखा है। और अब मैं ना इसमें सबसे पहले चिकन डालूंगी, क्यों? क्योंकि चिकन जो है वो पानी छोड़ेगा ना। वैसे मेरा पहले लिंक में है कि मैं लिंक में लगा दूंगी, मैंने बिरयानी की रेसिपी शेयर की हुई है तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे तो मैं ऐसा ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो हर चीज़ मैं एज इट इज़ नहीं बता सकती। ठीक है, तुम भी चिकन पहले डाल दिया करो प्याज के बाद, बताओ इससे क्या फ़ायदा है। चिकन जो पानी छोड़ते हैं ना और वो सिकना सिकना सा मसाला रेडी होता है। हाँ वो मैंने डाल दिया चिकन का पानी के साथ ही, उसकी महक भी ख़त्म हो जाएगी लहसुन अदरक की और चिकन का पानी भी। फिर मैं सारे टमाटर और ये मसाले डालूंगी, दही भी फिर डालूंगी चिकन को गलाने के लिए। कुछ तो ये अपने पानी में ही पक जाएगा ना। दुख हुआ ना मुझे भी। अच्छा जी, बिरयानी हमारे दम पे है और साथ में हमने बनाई है, क्या बनाई है? दही रायता सलाद। मिक्स सलाद। व्हाट इज इन इट? ये हंडिया में व्हाइट कढ़ाई। और ये हमने गार्निश के लिए रखा हुआ है। और ये बाजी खड़ी मेहमानों का वेट कर रही है और इसकी शक्ल नहीं मैं दिखाऊंगी आपको। अब जैसे ही हमारी बिरयानी दम से उतरती है तो हम आपको दिखाते हैं इसी डिश आउट करके। अच्छा जी मैडम, अब तुम क्या कर रही हो? कबाब फ्राई कर रही हूँ अभी मैंने शाम। और ये हमारा मलाई चिकन बस हमने दम पे रखा हुआ है और इसमें गार्निश करने और बिरयानी हमारी फाइनली रेडी हो गई है। लेट्स सी कितने अच्छे खिले खिले चावल बने। पहले मैंने शामी कबाब फ्राई किए हैं और ये हमारे शामी कबाब हैं और ये हमारी मैडम है, बस आप इतना ही देख सकते हैं। और ये इसके हाथ हैं। और अब हम किसका वेट करें? हाँ अपनी छोटी सिस्टर का। पता नहीं वो कहाँ रह गई, उसका रास्ता बहुत लंबा हो गया। कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। यस। क्या कहा? जब वो आएंगी उन मुतरमा
के नखरे वो कितने नखरे, बिकॉज वो अनमेरिड है ना, और अनमेरिड के पता है आपको नखरे कितने होते हैं आसमानों पे। हाँ। मैं और ये तो बेचारी दो शरीफ को ज्यादा ही यम। इतना इससे 6 और करने हैं ना। हाँ अब 20 में स्पेस इतनी थी ना, तो जल्दी कर, वो लोग आने वाले हैं और यू नो वो भूखे होंगे। कौन आए, कौन आए? ये ज़ियान है, वो देखो वो आनी आ गई, खाला खाला आ गई, कुछ भी नजर नहीं। ये डोर क्लोज करो। आंधी नसीहत, आंधी नसीहत शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम। और नबील कैसा रहा सफर? अच्छा गुजरा। कटिंग नहीं करानी? किसकी शादी के बाद? अपनी के बाद। फिर ना कुड़ी मिली तुझे, और तू क्या वॉशरूम में कर रही है? दे देनी है, चल तू उधर हो, तू क्या कर रही है? ये लोग अभी टपके हैं पाकिस्तान। बैठा है ये बैठी हूँ मैं, ये इकरा बैठी है और हम लोग बिरयानी खा रहे हैं, और इसने जो बोला है ये तो तुमने सुन ही लिया होगा। और ये राबी बैठी है जो सिर्फ इस टाइम रशियन खा रही है। लियो कैसे खेल लियो, चलें जी यही था आज का हमारा व्लॉग, फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।